वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें जनसत्ता.com, बेल आइकन दबा कर पाएं लेटेस्ट नोटिफिकेशंस। इस कोरोना काल में देश सबसे ज्यादा ऑक्सीजन की समस्या से जूझ रहा है। इनमें सबसे ऊपर महाराष्ट्र है। ऑक्सीजन का मामला सुप्रीम कोर्ट में भी उठा था। सुप्रीम कोर्ट ने इस पर संज्ञान लेते हुए एक टीम गठित की है। इस टीम में 12 सदस्य हैं। कोर्ट इस टीम को यानी नेशनल टास्क फोर्स यानी NTF को निर्देश दिया था कि ऑक्सीजन की समस्या को जल्द से जल्द दूर किया जाए। साथ ही ऐसी व्यवस्था की जाए कि ऑक्सीजन की समस्या से जूझ रहे राज्यों को ऑक्सीजन मिल सके। सुप्रीम कोर्ट ने हर राज्य केंद्र शासित प्रदेश के लिए एक उपसमूह बनाने का निर्देश दिया है ताकि यह निर्धारित किया जा सके कि केंद्र द्वारा आवंटित ऑक्सीजन की आपूर्ति संबंधित राज्य केंद्र शासित प्रदेश तक पहुंच रही है या नहीं। न्यायमूर्ति DY चंद्रचूड़ और MR शाह की एक पीठ ने कहा था कि यह आवश्यकता है कि कोविड महामारी के दौरान सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को चिकित्सा ऑक्सीजन आवंटित करने के उद्देश्य से केंद्र सरकार के भीतर एक प्रभावी और पारदर्शी तंत्र स्थापित किया जाए। केंद्र सरकार ने प्रक्रिया को कारगर बनाने के लिए एक नेशनल टास्क फोर्स गठित करने पर सहमति व्यक्त की है। इस टास्क फोर्स को राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को ऑक्सीजन के वैज्ञानिक आवंटन के लिए एक कार्यप्रणाली तैयार करने के साथ अन्य चीजों का काम सौंपा जाएगा। पीठ ने कहा कि इस टास्क फोर्स की स्थापना से निर्णय लेने वालों को इनपुट प्राप्त करने में मदद मिलेगी। यह अस्पतालों, स्वास्थ्य देखभाल संस्थानों और अन्य के लिए आपूर्ति वितरण में नेटवर्क की प्रभावकारिता, उपलब्ध स्टॉक, पारदर्शिता और जवाबदेही आदि की निगरानी करने का काम करेगा। इस दौरान शिवसेना सांसद संजय राउत ने इस फैसले को उचित बताते हुए केंद्र सरकार पर हमला बोला है। सुनिए उन्होंने क्या कुछ कहा है। गोवा में कितने हो गए? तेलंगाना में 11 है। चेन्नई में भी इतने ही हो गए ऑक्सीजन की कमी की वजह से। उत्तर प्रदेश में यही चल रहा है। बिहार की भी खबरें हैं। ऑक्सीजन की आज भी जिस तरह से शॉर्टेज है पूरे देश में, इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने एक नेशनल टास्क फोर्स को बनाया है और अब ये काम नेशनल टास्क फोर्स ने शुरू भी किया है। लेकिन बीच में जो लोगों की जाने जा रही है वो बहुत ही चिंता की और गंभीर विषय है। ऑक्सीजन की बात अगर करें तो महाराष्ट्र में भी कुछ दिनों तक ऑक्सीजन की शॉर्टेज थी, लेकिन सरकार ने बहुत कंट्रोल कर लिया। अब वहाँ की सरकारें क्या कर रही है मुझे मालूम नहीं। इसलिए नेशनल टास्क फोर्स जो बनाया है सुप्रीम कोर्ट ने, उसको ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। जिस तरह से गंगा से लाशें बहकर पटना तक पहुँच गई है, ये चित्र बहुत ही भयावह और डरावना है। देश किस स्थिति से गुजर रहा है उसका ये एक बहुत ही भयंकर चित्र हमारे सामने आया है। और आज भी हमारे सरकार से, केंद्र सरकार से और राज्यों से कहना है, कुछ भी बातों अगर आपके पास कोई कमी है तो छुपाने की कोशिश मत करिए। तो ये था ऑक्सीजन से जुड़ी सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर हमारी रिपोर्ट। आपको कैसी लगी ये रिपोर्ट कमेंट बॉक्स में बताएं। साथ ही इस पूरे मामले पर आप क्या कहना चाहते हैं कमेंट बॉक्स में लिखें। बाकी देश दुनिया खबरों के लिए बने रहिए जनसत्ता के साथ। धन्यवाद।